हैं एक अहम खबर की ओर। आईटीसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आईटीसी होटल्स के डीमर्जर पर शेयरधारकों की बैठक हो रही है। बैठक को लेकर तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी अनुराग शाह दे रहे हैं। आईटीसी के होटल कारोबार के डीमर्जर स्कीम पे जो शेयर होल्डर्स की जो बैठक है वो जारी है, और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो इस डीमर्जर स्कीम के फेवर में वोट करने जा रही है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसकी शेयर होल्डिंग है 1.5%, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो 15% हिस्सा रखती है आईटीसी के अंदर, और इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिनकी करीब 2.25% स्टेक है, ये तमाम जो शेयर होल्डर है ये डीमर्जर स्कीम के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वैल्यू अनलॉक होगी। और जिस तरह से आईटीसी का होटल कारोबार बढ़ रहा है, जिस तरह से रूम ऑक्यूपेंसी में अच्छा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, नंबर ऑफ रूम्स जो है वो 15,000 से बढ़ा के 25,000 करना चाहते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए डीमर्जर के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। जिस तरह से जो डीमर्जर स्कीम में रेशियो सुझाया गया है कि 10 शेयर जो आईटीसी के है उसके बदले एक शेयर जो नई एंटिटी होगी, लिस्टेड एंटिटी, उनके मिलेंगे। सरकार की भी इसके अंदर हिस्सेदारी है, इस आईटीसी के अंदर 7.8%। तो मोटा मोटा ये माना जा रहा है कि ये जो डीमर्जर स्कीम में फेवर में वोट पड़ेगा, और इसके बाद जो है डीमर्जर स्कीम जब पूरी हो जाएगी तो एक लिस्टेड एंटिटी होगी आईटीसी की, आईटीसी होटल्स। ऑलराइट, चलिए।